हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसर्च प्रपोजल के बारे में। एंड रिसर्च प्रपोजल, देखिए आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मैं आपको एग्जांपल के साथ जो मेजर हेडिंग्स होती हैं रिसर्च प्रपोजल की वो भी बताऊंगा विद एग्जांपल, मतलब कि पूरा कंप्लीट रिसर्च प्रपोजल। सी, रिसर्च प्रपोजल कैन बी इन मैनी फील्ड्स। अगर आप कहीं भी अप्लाई कर रहे हैं तो हो सकता है आप एनवायरमेंटल साइंसेज के हों, केमिकल साइंसेज के हों, मैनेजमेंट के हों, लाइफ साइंसेज के हों, मेडिकल साइंसेज के हों। सो सारे के एग्जाम्पल बताना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एंड अ ह्यूज टास्क। बट इफ़ यू विल नो द मीनिंग ऑफ द हेडिंग्स, वॉट शुड बी इंक्लूडेड इन योर रिसर्च प्रपोजल, वो डिफरेंट लेवल का हो सकता है। इट कैन बी a small research proposal of 1 to 2 page, it can be a detailed research proposal, or it can be a research proposal for asking some huge funding from different funding agencies, but sabka aim ek hi hota hai। to ab hum us research proposal ko dekhenge jo ki already funded hai aur aapko uski heading samajhni hai, then accordingly you can plan your research proposal for any funding such as DST, for any entrance examination, for any research proposal in which you are submitting for your PhD admission. So let's get started. So any research proposal fall into some major headings. Either it was an initial draft or it can be or for a huge funding. So these are the basic headings under which any research proposal must be designed. और अगर आपके रिसर्च प्रपोजल के अंदर ये सारी हेडिंग का मैटर नहीं आ रहा है, which can be a lengthy or which can be in a summarized state, तो ये आपको डिसाइड करना है, because that word limit will be provided under which you are going to apply this proposal. आप किसी भी ब्रांच के हो, मैथ्स के हो, साइंस के हो, केमिस्ट्री के हो, बट ये हेडिंग्स, ये वर्ड लिमिट दैट यू हैव टू कट शॉर्ट। तो वो वर्ड हेडिंग्स क्या होंगी? द वेरी फर्स्ट इज द टाइटल ऑफ द रिसर्च प्रपोजल, दैट इज द बेसिक, द टाइटल, योर हेडिंग, किस पे काम करना चाहते हो। नाउ द एब्स्ट्रैक्ट, उसका फुल कंक्लूजन, ओवरऑल समरी शॉर्ट में, जैसे पेपर्स का होता है, ये है इंट्रोडक्शन, ये ऑब्जेक्टिव, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, इस मेथड से हम काम करेंगे, ये हमारे फाइंडिंग्स आएंगे, तो उसके ये एप्लीकेशंस होंगे, शॉर्ट एब्स्ट्रैक्ट। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज, मैं अभी इसके बाद लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा विद वन प्रपोजल, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड योर कॉन्सेप्ट कि किस हेडिंग में ऐसा आया। सो वॉट यू हैव टू प्लान इन योर प्रपोजल, सो डू नॉट स्किप किसी भी स्टेप पे। कोई डाउट होगा सो यू कैन आस्क मी। अगर आपने ड्राफ्ट प्रपोजल बनाया है देन यू कैन ईमेल मी और यू कैन डिस्कस इन ऑन अ टेलीग्राम आल्सो। तो हम पहले हेडिंग्स बताएंगे, देन आपको मैं लाइव दिखाऊंगा दैट प्रपोजल वाज ऑलरेडी सबमिटेड इन डीबीटी फॉर अ ह्यूज फंडिंग, 30 लाख से ऊपर की फंडिंग के लिए अप्लाइड है। फॉर्मेट सबका सेम होता है, ये आपको सीखना ही सीखना है अगर आप रिसर्च फील्ड में है तो। सो इंट्रोडक्शन हो गया, देन द ओरिजिन ऑफ द प्रॉब्लम। ओरिजिन ऑफ द प्रॉब्लम मतलब आपने जो टॉपिक, जो हेडिंग चूज किया है, क्यों चूज किया, व्हाट वाज द प्रॉब्लम, आप ही क्यों करना चाहते हो, आप यही टॉपिक क्यों करना चाहते हो, उसके अंदर ऐसा क्या इनिशिएट किया आपको दैट यू आर प्लानिंग टू एग्जीक्यूट दैट वर्क। ठीक है, आप जो काम कर रहे हो उसका नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टेटस, नेशनल इंडिया पे कितने लोगों ने किया और अब्रॉड किस लेवल पे कर रहे हैं, जो आप कर रहे हो क्या वो ऑलरेडी कर चुके हैं। उस सेंटेंस को रीड आउट करने से ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दैट द वर्क विच यू आर डूइंग इज द नोवल वर्क। नाउ द एग्जिस्टिंग गैप इन द नॉलेज, जो ऑलरेडी पब्लिश लिटरेचर है ईदर नेशनल और इंटरनेशनल, एंड वॉट यू आर प्लानिंग उसके और उसके बीच में कितना गैप है, क्या वो गैप सिग्निफिकेंट है जो आप प्लान कर रहे हो अपने प्रपोजल के अंदर। सो दैट गैप यू हैव टू मेंशन थ्रू द लिटरेचर रिव्यू। नाउ द हाइपोथेसिस, आप क्या करने वाले हो,
कैसा सोचे हो, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके बारे में क्या सोचे हो, और जो सोचे हो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सिंपल से एग्जांपल देता हूं, माय एम, मैं अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूं और मेरा एम है न्यूयॉर्क में जाके न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में ब्रेन रिसर्च पे काम करना। गॉट इट? सो व्हाट विल बी माय ऑब्जेक्टिव? माय ऑब्जेक्टिव्स कैन बी द वेरी फर्स्ट, मुझे जल्दी से जल्दी पीएचडी में एडमिशन लेना है, वो भी उस रिसर्च इंस्टीट्यूट में जहां पे ब्रेन में काम होता हो। तो दैट विल बी माय फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकंड ऑब्जेक्टिव, मुझे किसी भी पेमेंट में नहीं जाना या फेलोशिप में लेना है, तो दैट कैन बी द माइनर ऑब्जेक्टिव। नाउ थर्ड ऑब्जेक्टिव विल बी, मुझे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं जो मैं 3 साल के अंदर खत्म करूं और उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा इंपैक्ट पेपर पब्लिश करूं, सो दैट कि मुझे जो उसके बाद अचीव करना है वो आसानी से मिल जाए। दैट विल बी माय अनदर ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव कि जैसे ही मैं सबमिट करूं उससे पहले मैं किसी फॉरेन की फेलोशिप को अप्लाई करूं और उस यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करूं। सो दीज आर सम माई मेन ऑब्जेक्टिव जिनको अचीव करने के लिए मैं अलग अलग काम करूंगा। वो मैं काम क्या करूंगा, दैट शुड बी द मेथोडोलॉजी। मैं कैसे एडमिशन लूंगा, उसका फॉर्म फिल करूंगा, उस फॉर्म फिल करने के लिए गाइड से अप्रोच करूंगा, मिलूंगा, एक ऑब्जेक्टिव प्लान करूंगा, काम करूंगा, सिनॉप्सिस बनाऊंगा, थीसिस लिखूंगा, पेपर लिखूंगा, सिनॉप्सिस सबमिट करूंगा। ये मेरा वर्क फ्लो है। और ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे न्यूयॉर्क जाना है। गॉट इट? सो थ्रू दिस वे यू हैव टू प्लान योर प्रपोजल। नाउ द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड, जिस इंस्टीट्यूशन में मैं जा रहा हूं क्या रियली वहां पे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जो मेरे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर देगा। सो दैट यू हैव टू डिसाइड कि आप अगर इस प्रोजेक्ट को कहीं अप्लाई कर रहे हो जिस फंड फेलोशिप के लिए, तो आप जिस यूनिवर्सिटी से अप्लाई कर रहे हो क्या उस यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे सोफेस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इतने एक्सपर्टीज प्रोफेसर्स हैं जो आपको ये काम कराएं। दिस इज द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड एंड द एक्सपेक्टेड आउटकम्स। आप जो काम करोगे उसके आउटकम्स क्या मिलने वाले हैं आपको, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। चलिए लेट्स गेट स्टार्ट द प्रोजेक्ट, रियल प्रोजेक्ट प्रपोजल। अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में एक चीज बता दूं, ये इसका टॉपिक क्या है। इसका टॉपिक है बोवाइन मेस्टराइटिस। देखिए आप कोई भी सब्जेक्ट के हो, बट फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, द रिसर्च, हाउ द प्रपोजल विल बी मेड। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो है बोवाइन मेस्टराइटिस। मेस्टराइटिस मेमरी ग्लैंड के अंदर इंफ्लेमेशन होता है जिससे मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है। अब वो इंफ्लेमेशन या तो हो सकता है मेमरी ग्लैंड की वजह से ब्लॉक्ड हो जाए, या फिर कोई बैक्टीरियल इंफेक्शन, ठीक है, जिसमें कि कैटल्स के अंदर जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो जाता है। सो दैट इज द प्रॉब्लम। नाउ द प्रपोजल स्टार्ट। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में मैं क्या लिखूंगा, ऑब्वियस सी बात है बताऊंगा कि मिल्क प्रोडक्शन इंडिया में होता है एंड इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इतना टन मिल्क प्रोड्यूस करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी। फिर मैं बताऊंगा कि वो काओ को क्या क्या डिजीज होती है जिसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन हैम्पर करता है। थोड़ा थोड़ा डिजीज के बारे में इन जनरल चलूंगा अभी, क्योंकि यहां पे चल रहा है प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, दैट मींस इंट्रोडक्शन। तो आप सब कुछ बताओगे विद डेटा कि ये प्रॉब्लम है, मेस्टराइटिस होती है, ये डिजीज होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर आप आना स्टार्ट करोगे कि मेस्टराइटिस की वजह से इतना रिपोर्ट किया गया, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये सारे बैक्टीरिया रिपोर्टेड है जिसकी वजह से मेस्टराइटिस होता है। लोग क्या देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, गाय को ट्रीट करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट नोबडी इज गोइंग टू चेक द ऑल्टरनेट थेरेपी व्हिच आई एम प्लानिंग इन माय रिसर्च प्रपोजल। गॉट इट? सो दिस इज द स्ट्रेटजी, आपको ये बताना है। अब मेरा जो थेरेपी है वो क्या है, बैक्टीरियोफेज थेरेपी, जो कि उस बैक्टीरिया को किल करेगा जो मेस्टराइटिस कैटल्स में करता है। सो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, अब आपको बहुत ही टैक्टफुली यहां लिखना है,
The present proposal aimed to explore the possibility of bacteriophage therapy in controlling the bacterial infection among cattle. Through this way, ये आपको आना है कि मेरी थेरेपी यूनिक है एंड प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड है. तो अब मुझे क्या आना है, ओरिजिन ऑफ प्रपोजल. अब आप बोलोगे कि ये मेरे दिमाग में क्यों आया, क्योंकि काओ के प्रोडक्शन में देखा कि डाउन हो रहा था. रीजन क्या था, बैक्टीरियल इन्फेक्शन. तो जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसका कोई कॉज भी होगा, उसके कॉज के लिए हमने नई थेरेपी निकाली, हमारी लैब इक्विप्ड है, हम करके ट्राई कर सकते हैं. तो दैट इज द ओरिजिन ऑफ द प्रपोजल. इस तरीके से आपको सोचना है आपको वो प्लान क्यों आया. नाउ द रेशनल ऑफ द स्टडी बाय साइटेड लिटरेचर, आपको बताना है कि लिटरेचर में कितना कितना क्या क्या चीज साइट हो चुकी है, कि कितना मिल्क प्रोडक्शन लॉस होता है इन इन डिजीज की वजह से, और आपके प्रपोजल से क्या फायदा हो सकता है. नाउ द हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस क्या है, कि जो मेरा यूनिक ट्रीटमेंट है दैट कैन बी इफेक्टिव, और जो इतना मिल्क प्रोडक्शन लॉस है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा. दिस इज माय हाइपोथेसिस. अगर मेरा ट्रीटमेंट काम कर गया तो सारी कैटल्स की जो बैक्टीरियल डिजीज है मैं उसको स्पेसिफिकली किल कर दूंगा. सिंपल हाइपोथेसिस. मैं ये सोच रहा हूं, करूंगा, आई डोंट नो. नाउ द क्वेश्चंस, इसको आप स्किप कर सकते हो. नाउ द करंट स्टेटस, कि लोग इस थेरेपी पे अलग अलग डिजीज में काम किए हैं, बट नोबडी हैज चेक्ड दिस थेरेपी ऑन मेस्ट्राइटिस, जिसकी वजह से मिल्क लॉस होता है. इज दैट क्लियर. तो उसका आपने नेशनल और इंटरनेशनल स्टेटस बता दिया कि फेजिस पे तो नेशनल भी काम हुआ है, फेजिस पे इंटरनेशनली भी काम हुआ है, फेजिस पे उस बैक्टीरिया पे भी काम हुआ है, नेशनल भी इंटरनेशनल भी, बट नोबडी हैज टेकन इनिशिएटिव फॉर दिस थेरेपी टू मेस्ट्राइटिस. ये आपको एक्सप्लेन करना है यहां पे. फिर द रेलिवेंस एंड एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द प्रपोज वर्क, अभी आपको क्लियर हो चुका होगा. आपको डेटा देते जाना है कि इतना लॉस हो रहा है, अगर मैंने इस तरीके से इसको ट्रीट कर दिया तो दैट कैन बी अ ह्यूज प्रॉफिट, ग्लोबली ह्यूज प्रॉफिट. तो मेरा प्रोजेक्ट कितना यूजफुल हुआ, आप ये सोच सकते हो. ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये भी बता सकते हो कि मैं इसका कुछ इनिशियल पार्ट कर चुका हूं एंड आई हैव टू मेक दीज थिंग्स through which these objectives can be achieved. तो आपको फिर उसके बाद बताने हैं objectives. पहले मैं काओ देखूंगा, फिर उसके ऑर्गेनिज्म देखूंगा, देन उसके बैक्टीरियोफेजेस बनाऊंगा, देन आई विल गो फॉर द थेरेपी. तो इस तरीके से आपका प्रपोजल बहुत ही सिंपल तरीके से विद चार रेफरेंस खत्म हो जाएगा, और फिर आप बता सकते हो कि मेरे पास मेरे लैब के अंदर ये सारे सोफेस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके थ्रू मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करूंगा. तो वो जब प्रपोजल रिव्यू के लिए जाएगा कमिटी के पास, तो दे विल गेट टू नो कि यस दैट कैन बी अ गुड प्रपोजल, और इसको अप्रूवल दो, बिकॉज इस स्टूडेंट और इस गाइड के पास ये जो प्रपोजल को एग्जीक्यूट करने के लिए सारी चीज है, एंड द प्रपोजल इज ऑल्सो वेरी गुड, नॉट नॉर्मली बट ग्लोबली एप्लीकेबल है. कुछ ना कुछ तो फाइंडिंग आएंगी. तो रिव्यू कमिटी यही चीज देखती है. तो आपको अपना प्रपोजल रिव्यू कमिटी के बेस पे बनाना है कि दैट शुड बी द एप्लीकेबिलिटी. इसीलिए वो ये सारी हेडिंग्स आपसे इनपुट ले रही है कि आप जो काम करने वाले हो उसका नेशनल इंटरनेशनल स्टेटस क्या है, गैप क्या है, आप क्या हाइपोथेसिस कर रहे हो. आई होप You understand something by this proposal. अगर आप ये चीज समझे हो, सो सबसे पहले अपने टाइटल को फाइनल करो और ये सोचो कि वो टाइटल आपने क्यों चूज किया. इज दैट रियली हेल्पफुल, या आपको कुछ चेंज करना चाहिए. फिर एक एक करके जब आप ये हेडिंग्स को फाइनलाइज करेंगे, देन योर प्रपोजल विल बी रेडी. If you are getting any difficulty in finalizing your proposal, then you can send it for review. Yaar, isse zyada benefit, isse zyada supervision kahan milega? To uske liye aapko channel ko subscribe to karna padega, aur uske baad Telegram pe join ho jao, because subscribe karne se jo comments aate hain na,
उन कमेंट्स को डायरेक्टली आंसर करना बहुत डिफिकल्ट होता है. सो बेटर है थ्रू टेलीग्राम वी कैन कम्युनिकेट एंड वी कैन टॉक ऑल्सो. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. दिस वीडियो विल डेफिनेटली ड्राफ्ट योर प्रपोजल विद इन 5 days. आई एम गारंटिंग यू, अगर आपने इस एस्पेक्ट में सोचेंगे तो 5 दिन के अंदर आप एक ड्राफ्ट रेडी कर लेंगे एंड 6th day आई विल फाइनलाइज योर प्रपोजल. So go ahead, all the very best. Thank you, take care.